नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेनिंग ट्यूब में। दोस्तों मेरा नाम है विश्वा, और दोस्तों आज मैं मतलब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों, मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे, ताकि मैं सोचा कि एक वीडियो बना लूँ जो कि फ़्लाइट में चेक इन और बोर्डिंग प्रोसेस का। बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स मेरे वीडियोज़ में कमेंट दे चुके थे कि हमें थोड़ा जो कि नया ट्रैवलर्स है दोस्तों फ्लाइट में, जो कि फर्स्ट टाइम के लिए फ्लायर्स हैं दोस्तों, उनके लिए थोड़ा आइडिया मिल जाए कि कैसे सबसे पहले फ़्लाइट में बोर्डिंग बोर्ड करें और चेक इन प्रोसेस का कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप बताने के लिए। तो दोस्तों आप ये वाला वीडियो पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन करूँगा कि आपको सबसे पहले कैसे टिकट खरीदने से लेके आपको जैसे फ्लाइट में आप टेक ऑफ करेंगे उस टाइम तक मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों सारे स्टेप बाय स्टेप आप कैसे एयरपोर्ट में एंट्री करेंगे सब कुछ। तो आप दोस्तों मेरे साथ बने रखें, मतलब मेरे साथ आप बने रहें पूरा एंड ऑफ द वीडियो तक दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हमें टिकट परचेज करना पड़ेगा, राइट दोस्तों। जब हम फ्लाइट में ट्रैवल करेंगे तो दोस्तों ऑनलाइन टिकट परचेज कर सकते हैं, या आप ऑफलाइन स्टोर में जाके भी, या कोई भी इंडिगो एयरलाइन या जेट एयरवेज उनका काउंटर में जाके भी दोस्तों आप अपना टिकट आप परचेज कर सकते हैं। दोस्तों टिकट परचेज करने के टाइम पे कुछ ऑफर्स या डिस्काउंट वगैरह जो कन्वीनियंस चार्जेस होते हैं वो सब कैसे रिड्यूस करते हैं, उसको जानने के लिए मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैंने मेरा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में ऐड कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों जब आप टिकट ले लिए उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उस टिकट का जो ई टिकट है उसका प्रिंट आउट लें दोस्तों। जब आपको टिकट मिल जाएगा तो आप उस ई टिकट का प्रिंट आउट ले सकते हैं, और आप जैसे कि आप जानते हैं IRCTC का टिकट आता है आपका SMS में, वैसा ही सेम दोस्तों एयरलाइंस का भी टिकट आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आप भेज सकते हैं। अगर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में टिकट आ चुका है दोस्तों, तो आप उसको भी दिखा के आप एयरपोर्ट में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों, और आपका बोर्डिंग पास भी ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टिकट लेना, उसके बाद है दोस्तों आपका टिकट का प्रिंट आउट लेना और SMS आपका मोबाइल में लाना। इसके बाद दोस्तों जब आपका टिकट SMS या प्रिंट आउट लेके लिए, तो आपको एयरपोर्ट जाना पड़ेगा जिस रेट में आपका फ्लाइट है दोस्तों। तो आपको मिनिमम 45 मिनट्स प्रायर टू योर डिपार्चर टाइम, जो भी डिपार्चर टाइम होगा, जैसे कि आपको 2 बजे का फ्लाइट है, तो आपको 1:15 तक आपको दोस्तों एयरपोर्ट को आ जाना पड़ेगा दोस्तों। तो 45 मिनट उस हिसाब से आप प्लान कर लेंगे पहले। तो आगे आप एयरपोर्ट में, इसके बाद दोस्तों एयरपोर्ट का जो सबसे पहला लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहता है, जो कि आप एयरपोर्ट का गेट के अंदर जाने के टाइम पे दोस्तों आपको सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पे आपको आपका जो टिकट का प्रिंट आउट है और आपका जो आईडी कार्ड, कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे कि आप पैन कार्ड, वोटर कार्ड या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दोस्तों, कुछ भी दिखा सकते हैं आप, ये सब दिखा के आप पहला लेवल ऑफ सिक्योरिटी को पार करके अंदर चले जाएंगे। जब आप एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे दोस्तों, उस टाइम पे आपको जो भी आपका हैंड बैगेजेस है या जो भी चेकिंग बैगेजेस बड़ा जो ट्रॉली लेके गए होंगे उसको दोस्तों आपको जो भी आपका, मान लीजिए आपका टिकट इंडिगो का है, तो दोस्तों इंडिगो का जो भी ऑथोराइज्ड वाला जो स्कैनर रहता है, आप जब घुस जाएंगे दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारे स्कैनर्स दिखाई देंगे मल्टीपल एयरलाइंस का, तो आपको अगर कोई भी जेट एयरवेज का है तो आपको जेट एयरवेज का स्कैनर के पास जाके आपको स्कैन कराना पड़ेगा बैग, इंडिगो का है तो इंडिगो का स्कैनर में जाके स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद दोस्तों वो लोग क्या करेंगे, आपका अगर आपका बैग अगर सील नहीं है तो आपको सील लगा देंगे पूरा लॉक करके दोस्तों, आपका हैंड बैग जिसमें भी सील लगा देंगे अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद दोस्तों आपका जब बैग स्कैन हो गया, और एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का नया रूल आया दोस्तों अभी 3-4 महीना पहले ही दोस्तों, इंडिया का जितना भी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब एयरपोर्ट में दोस्तों बैग स्कैनिंग मैंडेटरी नहीं है अभी। जब आप सबसे पहला लेवल के जो बैग स्कैन करते थे वो मैंडेटरी नहीं है, आप डायरेक्टली जाके जहाँ पे इंडिगो का काउंटर है दोस्तों वहाँ पे आपका लगेज या चेक इन बैगेजेस जो भी आप वहाँ सबमिट कर देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा विदाउट एनी स्कैनिंग, दे विल डू द स्कैनिंग इंटरनली। तो आप जब ठीक है उसका जो पहला स्टेप था दोस्तों हम स्कैन तो कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैन करने के बाद डायरेक्टली हम चले जाएंगे जो भी इंडिगो का या जेट एयरवे या जो भी स्पाइस जेट जिसका उनका ऑथोराइज, जो कि वेंडर काउंटर होंगे दोस्तों वहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे काउंटर्स होंगे, तो वहाँ पे काउंटर के ऊपर लिखा रहेगा कि इंडिगो का है या स्पाइस जेट का है कि एयर इंडिया का है या जेट एयरवेज का, आपको जो भी आपका एयरलाइन है उसका आप जो भी वेंडर का जो स्टोर है वहाँ पे जाके आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो वहाँ पर लाइन में लग के आपका जो भी बोर्डिंग पास है दोस्तों, हार्ड कॉपी ऑफ द बोर्डिंग पास आपको लेना पड़ेगा। बोर्डिंग पास लेने के टाइम पे
आपको अपना जो भी टिकट का प्रिंट आउट है या SMS आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे कोई भी लेडी एजेंट स्टाफ होंगे उनको दिखाना पड़ेगा, ग्राउंड स्टाफ्स। उसके बाद आपका जो लगेजेस है दोस्तों उसको आप सबमिट कर दीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कोई कोई फ्लाइट्स में आपका जो लगेज का जो अमाउंट है दोस्तों, जो वेटेज है दोस्तों, 15 किलो अलाउ करते हैं चेकिंग बैगेजेस एंड 7 किलो ऑफ हैंड बैगेजेस, या किसी किसी फ्लाइट में ओनली हैंड बैगेजेस अलाउ करते हैं, या किसी किसी फ्लाइट में अलाउ ही नहीं करते हैं अगर उनका ऑलरेडी वेट लिमिट एक्सीड कर गया होगा तो दोस्तों। तो उसी हिसाब से आप अपना जो भी बैगेजेस होगा उसको सबमिट करके आपका जो बोर्डिंग, अगर आपके पास कुछ चेकिंग बैगेजेस होंगे तो आपका जो बोर्डिंग पास के पीछे में आपको स्टिकर मिल जाएंगे, तो बोर्डिंग पास के पीछे में स्टिकर लग जाएगा और वहाँ पे आपका बारकोड या कुछ नंबर लिखा रहेगा जो कि आपका चेक इन बैगेजेस में जो भी नंबर होगा उसको मैच करता होगा। तो दोस्तों आपका चेक इन बैगेज सबमिट कर दिया, वो चला गया डायरेक्टली आपको जो भी डेस्टिनेशन जो भी होगा वहाँ पे आपको चेक इन बैगेजेस मिल जाएगा। उसके बाद आप अपना हैंड बैगेजेस और आपका जो बोर्डिंग पास है दोस्तों वो लेकर के आपको जाना पड़ेगा अभी सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक किस चीज़ का होता है? सिक्योरिटी चेक आपका हैंड बैगेजेस का होता है और आपका खुद का होता है। किसी किसी केस में क्या होता है कि हम आदमी बहुत सारे कुछ कुछ गलत गलत चीज़ लेके चले जाते हैं एयरपोर्ट में ताकि वहाँ पे पकड़ा जाते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारा कुछ होता है उसमें नहीं है, तो उसके लिए ही जो कि बॉडी का सिक्योरिटी चेक होता है। तो आप जब जाएंगे सिक्योरिटी चेकिंग में वहाँ पे भी लंबा लाइन लगा होगा, लेडीज़ का अलग रहता है जेंट्स का अलग चेकिंग होता है। तो दोस्तों जेंट्स के अगर हैं तो आपको जाके आप अपना सारे लैपटॉप रहेगा या फ़ोन या वॉलेट सब कुछ या आपका जो जो भी पावर बैंक है उसको एक मिलता है एक डब्बा, उसमें आप रख दीजिए और उसको स्कैनर में छोड़ दीजिए और आप जाके लाइन में लग जाइए बोर्डिंग पास लेकर के। तो आप जाएंगे जब बोर्डिंग पास लग के उसमें भी क्यू लगा रहता है, आप जाइए और उधर उधर आपका जो भी वॉलेट या फ़ोन या लैपटॉप रहेगा वो चला जाएगा स्कैनिंग के लिए। उसी के साथ साथ ही आपको जाना पड़ेगा, जब आपका स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगा आपको याद करके आपका जो स्कैन वाला जो भी चीज़ है फ़ोन या लैपटॉप या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उसको उठा के आपको आपका बोर्डिंग पास के साथ आपको निकलना पड़ेगा। जो गेट होगा आपका जो बोर्डिंग पास में जो गेट नंबर लिखा रहेगा जो गेट से आपका फ्लाइट वहाँ से ही उस गेट से ही आपको फ्लाइट में बोर्ड करने के लिए अलाउ किया जाता है। उसी गेट के सामने में या कहीं दूसरे जगह पे आपका फ्लाइट लगा रहेगा तो, लेकिन वहाँ से आपको फ्लाइट में जाने के लिए गेट है वो दोस्तों, इंटरनल गेट है वो। तो इसके बाद आप जाएंगे गेट के पास और गेट में देखेंगे कि आप वहाँ पे डिस्प्ले होता है वो आपका फ्लाइट नंबर कि कितना बजे आपका गेट खुलेगा और आप जा सकते हैं फ्लाइट पे। तो दोस्तों जब गेट खुल जाएगा आपको कॉल किया जाएगा 1 to 21 या 21 to 40 ऐसा कुछ नंबर्स रहता है दोस्तों उनके हिसाब से, तो वैसा कॉल करेंगे। अगर आपका जो भी सीट नंबर है जब आपका कॉल आएगा उस टाइम पे आपको जाके क्यू में लगना पड़ेगा और आपको गेट पे एंट्री करना पड़ेगा दोस्तों। गेट में एंट्री करने के टाइम पे आपको जो भी इंडिगो का एयर इंडिया का जो भी ग्राउंड स्टाफ रहेंगे दोस्तों आपका जो बोर्डिंग पास है दोस्तों उसको स्कैन करके ही आपको अंदर छोड़ेंगे गेट के अंदर। तो गेट के अंदर जब आप जाएंगे उस टाइम पे आइदर डायरेक्टली आपको फ्लाइट पे ले जाएंगे वो लोग, इंटरनल जो जो भी अंदर से रास्ता रहता है जो टनल रहता है उसमें ले जाएंगे, या फिर आपको बस में ले जाएंगे, आपको गेट से नीचे उतर के आप बस में जाएंगे, फिर बस से आपको डायरेक्टली उस एयरपोर्ट फ्लाइट के पास या एरोप्लेन के पास आपको ले जाएंगे उस टाइम पे। तो जब आप जाएंगे एरोप्लेन के पास उस जो फ्लाइट का गेट पे एंट्री करने के टाइम पे भी आपको एक ग्राउंड लेवल का फोर्स रहते हैं जो कि आपका जो बोर्डिंग पास का एक हिस्सा को वो लोग निकाल के अपने पास रखेंगे काउंट पर्पज़ के लिए, कुछ भी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। तो उस टाइम पे वो हो जाने के बाद आपको फ्लाइट का गेट के अंदर एंट्री करने देंगे और आप जाके अपना जो भी ऑक्यूपाइड सीट होगा दोस्तों वहां पे जाकर बैठ सकते हैं। तो जब आप सीट पे बैठ जाएंगे उस टाइम पे आप देख सकते हैं कि आपका सीट नंबर ABCDEF होता है दोस्तों। ए होता है इस तरफ से विंडो सीट, एफ होता है उस तरफ से विंडो सीट। ये मैं इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा हूँ, बिजनेस क्लास का डिफरेंट रहता है। अगर आपका इकोनॉमी क्लास होता है तो ए एंड एफ दोस्तों आपका विंडो सीट है और बी एंड ई वो दोनों दोस्तों बीच वाला सीट होता है जो कि सेंटर सीट। तो दोस्तों वैसा आप बैठ जाइए, उसके बाद जब आपका फ्लाइट टेक ऑफ का टाइम होगा दोस्तों उस टाइम पे आप जो भी पायलट का या एयर होस्टेस का जो भी जो कॉल रहता है उसको ध्यान से सुन लीजिए और आपका सीट बेल्ट पहन लीजिए जब टेक ऑफ के टाइम पे, और आप फ्लाइट का एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स मैंने बताया कैसे आप टिकट खरीदने के टाइम से लेके फ्लाइट का एंट्री टाइम तक, फ्लाइट का जो टेक ऑफ टाइम तक का मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताया। तो दोस्तों ये सारे इन्फॉर्मेशन आप अगर आपको कुछ डाउट्स है तो फिर से वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पूरा चीज़ क्लैरिफाई हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है दोस्तों, अगर कहीं भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट लगा
तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, तो आप हमारे चैनल में नए नए टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आप देख सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक दबाइए ताकि मुझे भी उम्मीद हो, मुझे भी खुशी मिले ताकि मेरा वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं। दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।